आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश में इस वक्त चुनावी मौसम छाया हुआ है, हर तरफ चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। वहीं इस चुनाव को वजूद की लड़ाई भी माना जा रहा है। कहीं किसी पार्टी का वजूद तो कहीं किसी परिवार के सदस्य का पार्टी में रहने का वजूद। ये वजूद की लड़ाई देश भर के कई पार्टियों में देखा जा रहा है, तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। क्या इनका मिलना और क्या इनका छिटकना, चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई और प्यार हमेशा से सुर्खियां बटोरती रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच की सियासी जंग किसी से छिपी नहीं है। 2022 से पहले 7 सालों तक दोनों के बीच जमकर जुबानी तीर चली। दोनों के बीच काफी विवाद हुआ, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को अपनी राजनीति विरासत बचाने के लिए एक साथ चुनौती का सामना करना पड़ा, तो दोनों के तेवर नरम पड़ गए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और प्रसपा का गठबंधन हुआ। हालांकि मन और दिल भले ही ना मिले हों, लेकिन जरूरत और वक्त ने दोनों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। चुनाव में हार के बाद दोनों के बीच फिर से तकरार हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन ने दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। मैनपुरी उपचुनाव में दोनों ने डिंपल यादव के लिए साफ प्रचार किया और जीत के बाद प्रसपा का सपा में विलय हो गया। इस बार भी दोनों चाचा भतीजे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो शरद पवार की सियासत को उनके भतीजे अजीत पवार ने चुनौती दी है। शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों को तोड़ा और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ सरकार में आ गए। वो अभी राज्य में डिप्टी सीएम है और उनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है। अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पवार के बीच सियासी जंग देखने को मिल सकती है। राज्य में बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वो बारामती से ही सांसद भी हैं, लेकिन दूसरी ओर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। यानी परिवार के बीच की सियासी जंग फिर एक बार देखने को मिलेगी। ठीक ऐसी ही तस्वीर बिहार से भी आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके परिवार की सियासी जंग भी किसी से छिपी नहीं है। रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस ने उनके बेटे चिराग पासवान को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी के सभी सांसद भी पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। फिर वो केंद्रीय मंत्री बने और पार्टी को लेकर चाचा भतीजे के बीच सियासी जंग चली। हालांकि अब इस सियासी जंग में चिराग पासवान हावी होते नजर आ रहे हैं। सोमवार को बिहार में एनडीए के दलों में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, तो चिराग पासवान के गुट को 5 सीट मिली और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को 1 भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद फिर से सियासी अटकलों को हवा मिल रही है। वहीं सोरेन परिवार में भी कलह चरम पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा ज्वाइन कर लिया। और ऐसी कुछ खबर बंगाल से भी देखने को मिल रही है। बनर्जी परिवार से ये खबर आ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐन लोकसभा चुनाव के समय इन परिवारों में उभरते कलह से किसी दूसरी पार्टी का फायदा होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि क्या इन परिवारों में कलह किसी रणनीति का हिस्सा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।